बैक इन माय यूट्यूब चैनल लव लता एंड फिटनेस स्कूल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सारे अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप फेड अप हो चुके हैं एंड आपने सारी चीजों को ट्राई कर लिया है, आपका वेट कम नहीं हो पाया है, तो मैं आपको मोटिवेट रखने के लिए आई हूँ। फ्रेंड्स, आपने किसी भी चीज को नहीं छोड़ना है, आपने फेड अप नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। फ्रेंड्स, आपने अगेन स्टार्ट करना है अपने वेट लॉस की जर्नी, वो भी मेरे साथ। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इतनी अच्छी एक्सरसाइज लेके आई हूँ जिनको करके आपका वेट 100% कम होगा। साथ में फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिनको करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले मॉर्निंग में जब आप उठेंगे, आपने सबसे पहले लेने हैं 2 गिलास गर्म पानी के। सिंपल पानी होगा, बट जब आप इस गुनगुने पानी को पिएंगे तो आपका स्टमक एकदम से खाली हो जाएगा। एंड जब हमारा स्टमक अच्छे से क्लीन होता है, हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, हमें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होती है। साथ में फ्रेंड्स, हम अच्छे से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए। इसके बाद लेंगे हम अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आपको बहुत सारी रेसिपीज देने वाली हूँ, जिसमें आपने लेना है दलिया, या आप लेंगे ओट्स, या आप लेंगे मूंग दाल का चीला, या आप लेंगे बेसन का चीला। इन सारी चीजों में आपने सब्जियों को कट करके डालना है, जिससे आपका ब्रेकफास्ट न्यूट्रिशन से भरपूर होगा। फ्रेंड्स, आपने 11 और 12 बजे के बीच में लेने हैं सीजनेबल फ्रूट। आजकल मस्क मेलन है, वाटरमेलन है, मैंगो है, तो जो भी आपके पास इजीली से अवेलेबल है आपने वो फ्रूट ले लेना है। अब आता है हमारे लंच का टाइम। तो लंच आप लेंगे बिल्कुल न्यूट्रिशन से भरपूर, साथ में उसमें लेना है आपने दही, एंड साथ में कोई भी सब्जी ले लेंगे। अगर आप 3 चपाती लेते हैं तो आपने 2 प्याज आना है, बट आपने साथ में सैलेड भी जरूर लेना है। अगर आप इस तरह से अपना लंच करेंगे तो आपको बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं होगी, आप हेल्दी, न्यूट्रिशन से भरपूर और जो भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए बहुत अच्छा आपका लंच होना चाहिए। जब भी 5 बजते हैं सबको चाय की क्रेविंग होती है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि आप बिल्कुल ही अपनी चाय को छोड़ दीजिए। अगर आप चाय पीते हैं तो आप विदाउट शुगर चाय लीजिए, या उसमें थोड़ी सी शुगर को डाल सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हमने अपने डाइट को शेड्यूल करना है। या आप उसमें डालिए शक्कर, जिससे आपकी कैलोरी में थोड़ी सी कमी आ जाए। तो अगर आप चाय लेना चाहते हैं तो आपने एक्स्ट्रा बिस्किट या नमकीन बिल्कुल भी अपनी डाइट में नहीं ले रहे हैं, आप उसकी जगह पे लेंगे भुने चने, या आप न्यूट्री को रोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप लेंगे कुछ मखाने। फ्रेंड्स, आपने ऐसा नहीं करना है कि भर के बाउल आपने मखाने खा लेने हैं, आपने 10 या 12 मखाने खाने हैं, एक्स्ट्रा आप नहीं लेंगे। तो अब आते हैं हमारी डिनर की बारी। तो डिनर हमारा होना चाहिए लाइट, एंड डिनर हम कर लेंगे 7 और 7:30 के बीच में। बिल्कुल सिंपल डिनर हमारा होने वाला है, या तो हम दलिया बना सकते हैं, या फिर हम सेम ओट्स वेज बना सकते हैं। ओट्स को आपने बनाना है जिस तरह से हम दलिया बनाते हैं, उसमें हम वेजेस डाल लेंगे। आपको डिनर की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद आप लास्ट में लेंगे ग्रीन टी। अगर आपके पास ग्रीन टी अवेलेबल नहीं है तो आप बना सकते हैं मैजिकल ड्रिंक। सबसे पहले पैन में आपने ऐड कर लेना है पानी, उसके बाद हम ऐड करेंगे दालचीनी का पीस, एंड उसके बाद हमने इलायची डाल लेनी है, साथ में हरी सौंफ डालनी है, साथ में हमने थोड़ा सा जीरा उसमें डाल लेना है। इन सारी चीजों को अच्छे से बॉइल करना है। जब 3-4 टाइम तक बॉइल आ जाए उसके बाद बंद कर देना है। उसके बाद छन्नी से छान के हमने रात को इसको सिप सिप करके पी लेना है। और चीज है लास्ट में जिसका आपने ध्यान रखना है, जब भी आप डिनर करेंगे उसके बाद आपने कम से कम 20 मिनट वॉक करनी है। बिल्कुल स्लो स्लो वॉक आप करेंगे, क्योंकि फ्रेंड जो भी हमने खाया होता है उसको हमने डाइजेस्ट भी करना है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे फुल डे का डाइट प्लान, आपने इसको फॉलो करना है। आप कम से कम 30 डेज तक इसको फॉलो कीजिए। साथ में फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी जिससे आपकी कैलोरी बहुत जल्दी बर्न होगी। तो सिंपल एक्सरसाइजेस हैं। सबसे पहले मैं आपके ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने वाली, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइजेस आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप बिगनर हैं,
अगर आपका एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है तो आप इन एक्सरसाइज से स्टार्ट कीजिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। सो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए आपने इस तरह से हेड को ऊपर लेके जाना है, लेग को साइड में लेके जाना है। सेम हमने करना है इस तरह से, 1, 2, 3, 4, 5। इस एक्सरसाइज को आपने थोड़ा सा फास्ट करना है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर हैं एंड आपने इससे पहले एक्सरसाइज नहीं की है तो आप करेंगे 20-20 के 3 सेट। बट अगर आपकी बॉडी हैबिचुअल है एक्सरसाइजेस की तो आप करेंगे 50-50 के 5 सेट। सो हमारी दूसरी एक्सरसाइज करने वाले हैं हम इस तरह से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब करेंगे हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज जो आपके हिप्स के फैट को बर्न करेगी, साथ में आपकी आर्म के फैट को बर्न करेगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। फ्रेंड्स, मेरी लास्ट एक्सरसाइज आएगी जिसमें आपने इस तरह से हैंड को रखना है, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो इस सारी एक्सरसाइज को करके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ में फ्रेंड्स, आपने लाइफलाइन को भी अच्छे से फॉलो करना है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करने से आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल लव रतन फिटनेस स्कूल। थैंक्स अ लॉट।